हेलो गाइस, स्वागत है आपके आज की वीडियो में। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम देखेंगे कि आप अगर इनिशियल सब्सक्राइबर चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल को सो उसको आपको यहाँ पे कैसे ग्रो करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है एंड वो मैंने कैसे किया है मैं उसके ऊपर बात करने वाला। बट गाइस यहाँ पे मैं कोई ऐसे बात नहीं करने वाला आपको यहाँ शेयर करनी है अपनी वीडियोज। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बताने वाला हूँ कि आपको फेसबुक पे शेयर करने या फिर इंस्टा पे शेयर करने या फिर कोई पेज पे या फिर कोई और तरीके से शेयर करने, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होने वाला। बिल्कुल डिफरेंट वीडियो होगी क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स नहीं टिप्स बताने वाला हूँ एंड जो कि बहुत काम की होगी। पहली बार आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब करो कि यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मैं सोशल मीडिया एंड अर्निंग से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले आपको स्टार्ट कब करना है। देखो अब तो है, जब भी आप स्टार्ट करने जाओगे यूट्यूब चैनल, बहुत लोगों के मन में होता है कि अब मेरे को स्टार्ट करना है यूट्यूब चैनल। सो देखो अब आप अगर स्टार्ट करने जा रहे हो ना सो उससे पहले आप जो है कुछ अमाउंट की वीडियोज सफिशियंट अमाउंट की वीडियोज जो है पहले से बना लो। अब कहीं इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब मैं यहाँ पे आपको अमाउंट देता हूँ, कम से कम 20 वीडियोस आपके होने चाहिए। अब 20 वीडियोस होने का आपको फायदा क्या होगा, देखिए आप जब भी कोई बंदा वीडियो अपलोड करते हैं ना सो पहले वीडियो पे ऑफकोर्स व्यूज नहीं आते, बहुत कम चांसेस कि आपका वीडियो पहला ही वायरल हो जाए। ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहले 20 वीडियोस बना के रखने अगर आप कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो। क्योंकि भाई बता, देखो यार अगर आप YouTube पे एक बिजनेस की तरह देख रहे हो, देखो कोई भी बिजनेस में आपको जो है अगर मास्टर करना है तो देखो यहाँ पे आपको 90 डेज का प्लान होता है, उसमें पहले 30 डेज में आपको वो स्किल सीखने होते हैं, अगले 30 डेज में आपको यहाँ पे वो स्किल मतलब अपने अपने वर्क में जो है वो लाने होते हैं एंड अगले 30 डेज में आपको उसको एनालिस करना होता है कि मैंने कितना किया एंड मुझे क्या उसको सही करना चाहिए, ओवरऑल आपको एनालिस। बिल्कुल मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आपको जो है पहले आपके वीडियोस अगर आप 20 वीडियोस बना लेते हो उसका फायदा क्या होगा। सबसे बड़ा उसका जो फायदा होने वाला है कि जब भी आप कोई वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा कि आप उसके टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड व्हाटएवर एवरीथिंग मतलब उसमें आप रिसर्च करो, मतलब आपको ज्यादा टाइम मिलेगा कि आप उस वीडियो की मार्केटिंग अच्छी करो। सो या टोटल ओवरऑल आपको टाइम जो है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपको उस टाइम मतलब जब भी आप अपना अपने मान लो आज 20 वीडियोस बना ले, ठीक है, एंड उसके बाद जब अपलोड करने जाओगे आप सो आप यहाँ पे डेली भी कर सकते हो, चाहे तो 2 दिन के बाद भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आप वो 20 डेज के गैप में आपको सब मतलब मिलेगा कि आपको यहाँ पे कौन सी वीडियो कितनी वायरल एनालिसिस आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है, तो आपको टाइम मिलेगा अगर आप 20 वीडियोस पहले ही बना लेते हो। ठीक है, अब यहाँ गाइस यहाँ पे टाइम के साथ आपको यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होगा क्योंकि आप जब भी मतलब वीडियो बनाओगे ना सो आपको यहाँ पे पहले वीडियोस पे व्यूज नहीं आएगा तो वो आप बोलोगे कि आगे वीडियोस बना के फायदा क्या होगा। गाइस यहाँ पे आपको गिव अप तो नहीं करना है, बट जब भी आपके पास 20 वीडियोस अवेलेबल होंगे सो आप उनको अपलोड करोगे क्योंकि यहाँ पे रखने से ऐसे भी कुछ फायदा होने वाला ही नहीं। एंड जब भी आप पहले वीडियोस बना जाओ, हमारा पॉइंट भी वही है कि यहाँ बहुत सारे जो यूट्यूबर गलती करते कि आपके पास जो है अभी स्टार्ट नहीं करना, कल करूंगा या फिर करूंगा बाद में, फ्यूचर में मैं कर नहीं पा रहा, ये नहीं करना। बिल्कुल आपको जिस जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, चाहे आपके मोबाइल फोन पास बाकी कुछ नहीं आपके पास, ठीक है, उसी से स्टार्ट कर लो। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है उसी से आप स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा, ठीक है। एंड अगर आपके पास इंडोर कंडीशन में अच्छी लाइटिंग कंडीशन नहीं है सो आप यहाँ पे आउटडोर शूट करो ना भाई, क्या फर्क है, आप वो कर सकते हो, आप जो भी चाहे वो करो। बस यहाँ पे आपको जो है पहली वीडियो अपलोड करनी है जो है उसी के साथ करो एंड उसका एक फायदा भी होने वाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो क्या होगा, जब भी आप ग्रो करोगे आप 100% अगर ग्रो करेगा अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हो तो, ठीक है। सो आपको क्या, जब भी आप फर्स्ट वीडियो अपलोड करोगे सो उसके बाद आप जब भी व्यूअर्स आप जब भी आपका चैनल बड़ा ब्रांड बनेगा तो व्यूअर्स आके देखेगा कि भाई इसने इंप्रूव देखो कितना किया, सो आपसे वो मोटिवेशन लेगा एंड काफी अच्छा होगा आपके लिए उसके लिए। सो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि मैं कब शुरू करूँ चैनल, कब शुरू करूँ, तो देखो गाइस यहाँ पे कोई भी अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो सो उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है उसको लगाने का 10 years एगो। अगर आपने 10 साल पहले उस ट्री को प्लान किया तो आप उसके आप मतलब आपको फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो आज का जो टाइम है वो सबसे बढ़िया है। सेकंड मतलब सबसे पहले बढ़िया तो था वो 10 साल पहले, अगर आपने वहां नहीं किया तो आज ही करो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने YouTube चैनल पहले नहीं स्टार्ट किया जो कि लॉकडाउन में था, मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में जो व्यूअरशिप है वो 75% बढ़ गई थी, YouTube ने खुद कहा था कुछ उसके अगर नीचे की बात करें तो वहां पे बोलता था उसकी व्यूअरशिप जो है बढ़ गई थी, तो उसका फायदा बहुत लोगों ने लिया, मैंने खुद देखा बहुत चैनल ग्रो किया। तो मैं बताना चाहता हूँ अगर आपने वहां नहीं किया तो देखो कोई टेंशन लेने की बात है, आज करो, ठीक है, ये अभी भी चांस है आपके पास, तो करो उसको ग्रैब करो, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना सीखो। यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट आता है, यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, सो व्हाट यू आर डूइंग, मतलब आप क्या, देखो यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस आप डालोगे सो बेसिकली कुछ इस प्रकार होगा कि आपको किसी को कुछ चीज की जरूरत है वो उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो, सो यही आप करोगे डेफिनेटली। सो आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप उसके बाद आप नीच पकड़ो, जो नीच होगी आपकी उसमें आप मतलब जो भी चैनल्स ग्रो हुए वो दो, उनके जो वीडियोस है जिनपे जो एंगेजमेंट है वो ज्यादा है, व्यूअरशिप उनकी ज्यादा है, तो उनको देखो उनमें उन्होंने क्या किया है वो देखो,
वो उसको कॉपी मत कर लेना, बट उसको आप यहाँ पे उससे इंस्पायर जरूर हो सकते हो कि उन्होंने आखिर किया क्या। अपने व्यूअर्स को वैल्यू देना सीखो, अगर आपको व्यूअर्स को अपने वैल्यू दोगे तभी आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा जो कि सब्सक्राइबर एंड व्यूअरशिप होगे। सो या एंड देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको टिप्स बताने वाला, कोई ट्रिक्स नहीं बताने वाला, ट्रिक्स भी वीडियो लाऊंगा बट फिलहाल जो वीडियो वो टिप्स के ऊपर है, तो टिप्स एंड ट्रिक्स में वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अगली वीडियो में ट्रिक्स से होगी। सो या मेक श्योर आप वो भी देख लेना। अब जो पॉइंट है हमारा वो है रिसर्च एंड वीडियो। जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हो अपने व्यूअर्स को तो वो ऐसे मत दो, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करो। मैंने बहुत ज्यादा चैनल्स देखे जो कि कंटेंट बनाते बट उसमें रिसर्च नहीं करते। इस चैनल के ऊपर आपको टोटली डिफरेंट कंटेंट मिलने वाला है। ये टिप्स आप अप्लाई करो गाइस, आप यहाँ पे ये जो वीडियो ये आपकी वीडियो को अच्छा बनाएगी, ठीक है। एंड अगली जो वीडियो वो आपको वीडियो को रैंक करवाएगी, शेयर करवाएगी, वीडियो को मार्केटिंग करवाएगी, शेयर करवाएगी, रैंक करवाएगी, व्यूअरशिप लाएगी। ये जो वीडियो है आपकी वीडियो को क्वालिटी कंटेंट देगी, लोगों के कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो मिलियंस पर बैठे हुए उससे अच्छे भी बहुत लोगों के कंटेंट होते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, बट गाइस वो कुछ गलती करते हैं, तो वो अब गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस बात करें अगर वो गलती क्या करते हैं, तो वो देखो वो क्या करते हैं, जब भी आप कोई चैनल स्टार्ट करने चाह रहे हो ना, सो आप कोई बहुत ही डिफरेंट निश चुनते या फिर डिफरेंट वीडियोस बनाते हो डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जब भी सक्सेस पाओगे आप बहुत डिफरेंट होगे, आप वन एंड ओनली हो सकते हो। देखो यहाँ पे आपको शुरुआत में फेल्योर मिलेंगे, लेकिन आप उसमें कंटिन्यू करते हो तो आप डेफिनेटली कभी ना कभी सक्सेस गेन करोगे, ठीक है। बट अगर आप जो कोई नॉर्मल निश पकड़ते हो, जो जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर हो है, मतलब बहुत सारे ये कंटेंट क्रिएटर अभी भी उसमें प्रेजेंट है, सो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐसी कोई वीडियोस बनाना चाहते हो किस टॉपिक के ऊपर, तो उसको पहले एनालाइज करो कि क्या ये वीडियो रैंक होगी। देखो पहले आपको सर्चेबल कंटेंट ही बनाना पड़ेगा, आप यूनिक कंटेंट बनाओगे नहीं मतलब कोई देखेगा ही नहीं, उसकी भी नहीं देखेगा। जब भी आप कोई सर्च कंटेंट सर्चेबल कंटेंट बनाओगे उससे व्यूअर्स आएंगे आपके चैनल को सब्सक्राइब करके, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सो उसके बाद जब आपके ठीक ठाक मतलब डिसेंट अमाउंट सब्सक्राइबर बन जाएगी, तब आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको चाहे तो आप मतलब जो चाहे मतलब आप जो भी वीडियो बनाओगे वो देखेंगे, क्योंकि वो यूनिक अगर होगी तो देखेंगे 101% उसको शेयर भी करेंगे। सो बट उससे पहले मतलब आपको थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट का सब्सक्राइबर बेस होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बना, मैं डेफिनेटली इसके खिलाफ नहीं हूँ, जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके ऊपर बना सकते हो, लेकिन अपने निच में होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आता है कि नेवर लूज यूर लर्निंग कर्व। जब भी आप कोई वीडियो बनाओगे, अगर आपको किसी से सजेशन आता है जो भी वीडियोस देखेंगे, तो उसको लेना सीखो, उसको अपने वीडियो में अगले वीडियो में इंटरेक्ट करना सीखो। आप जब भी कोई वीडियो बनाओगे तो उसकी जो है वो एनालिटिक्स चेक करो, आपको वहां पे ग्राफ मिलता है जो कि ऑडियंस रिटेंशन का होता है, सो वहां पे देखो कहां ग्राफ नीचे जा रहा है कहां ऊपर आ रहा है, सो वो काफी देखो। आप वहां पे देखो कि आपने वीडियो में क्या किया किसकी वजह से ग्राफ जो है वो कुछ डाउन साइड चला गया, या फिर वीडियो में क्या किया कि ग्राफ जो है वो ऊपर चला गया। सो वो दोनों के दोनों जो कंटेंट होते हैं ना वो आप अपने वीडियो में लाओ, मतलब जो ऊपर जाता है उसको ज्यादा से ज्यादा देखो कि ऐसा आप ज्यादा वीडियो में कैसे कर सकते, एंड जो लो आता है उसको अवॉइड करना सीखो। अगर आप कोई बहुत सारे लोग जो है शुरुआत में जो है मतलब बहुत सारे लोग बहुत बड़ा इंट्रो देते थे, बहुत बड़ा मतलब अपने बारे में जो बताते वो बहुत लंबा हो जाता है, बोर हो जाते व्यूअर्स, ठीक है। आप देखो आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि मैं खुद मेरी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। आप बोलोगे मैं मेरी वीडियो देख रहा हूँ। जब भी आप किसी की वीडियो देखते हैं तो आप क्या पसंद करते हो कि वो दूसरे उसके बारे में सिर्फ बताते रहे, वो आप पसंद करते हो। को भी जो है वो कंटेंट जो है वो मतलब कम से कम रखना है जो इंट्रो के बारे में होगा, क्योंकि जब लास्ट में आप जितना चाहे रख सकते हो, क्योंकि व्यूअर्स अगर लास्ट से स्किप कर गया तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो एंड हो जाती है। So, वो अभी अच्छा आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये थे कुछ टिप्स, आपको जरूर हेल्प आएंगे। यहाँ पे मैं ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूँ, ये टिप्स थे, अगली वीडियो में ट्रिक्स आने वाले। तो दोनों के मिलकर जो आपका यूट्यूब चैनल का ग्रोथ है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सो या डेफिनेटली अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड यहाँ पे अगर आपको चाहते हो जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में जो भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुल बनना चाहता है उसको जरूर ये वीडियो शेयर।